फरीदाबाद में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर एक ओर जहां परिसीमन की असमंजसता बनी हुई है, वहीं संभावित उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में हमारे रिपोर्टर अभिषेक कुमार अपने टीम के साथ वार्ड नंबर 24 के महिला उम्मीदवार सोमलता भराना से मुलाकात की। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सोमलता जी, आप वार्ड नंबर 24 से नगर निगम प्रत्याशी, हाँ जी, किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ने का? हम सर यहाँ के लोकल निवासी हैं। 25 साल से मेरे ससुर यहाँ के समाज सेवी रह चुके हैं और 25 साल के से यहाँ की सुविधाएं देख रहे क्या है क्या नहीं, उन मुद्दों पे लेके हम खड़े हुए हैं कि हम कुछ कर पाए और इन गरीब हम भी एक गरीब हैं, गरीबों का ही सहारा होता है, हम भी देख रहे 25 साल से क्या हुआ क्या नहीं, तब उसी मुद्दे पे सर हम खड़े हुए हैं। क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड नंबर 24 में? हमारे जीतने के बाद जो है अगर जनता सर हमारे वार्ड नंबर 24 में बहुत सारी समस्याएं जिनका हल करना है और हमारे ससुर जी समाज सेविक रहे हैं, उनको पता भी है, वो काफी सालों से झेल भी रहे हैं उसको, रोडों पे गंदा पानी, रोड टूटे हुए हैं और क्या नाम है 10-10 हजार जिनकी कमाई है, मजदूर जो बेचारे सुबह से शाम तक कमाते हैं उनके बिल 2-2.5 हजार आते हैं, कहाँ से पूर्ति करेंगे, तो ये भी सर जरूरी है करना। और स्कूलों की फीस वगैरह को लेके भी प्रॉब्लम है, इतनी फीस कहाँ से बंदा भरेगा, जो बेचारे 10-10 हजार कमाते हैं वो बिजली के बिल पूरे करेंगे, स्कूलों की फीस पूरी करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। पर इन्हीं मुद्दों को लेके इन समस्याओं का हमें हल निकालना है। अच्छा, और भी कैंडिडेट हैं आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें और आप में क्या फर्क है? सर जितने भी खड़े हैं सारे जेंट्स हैं, उनसे एक महिला ही, वो सोचो कि आदमी तो सुबह घर से निकल गया, रात को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अंदर घर में घुसता है, उसकी प्रॉब्लम है कौन करेगा, वो तो एक औरत ही करती है, अपना पूरा दिन चलाती, उसको बताए क्या समस्या है क्या नहीं, तो उसको ही अपना वो करना है, इसलिए एक नारी की समझ सकती है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहले अपने क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि नए साल की 2016 की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन सब के बीच में रह के कुछ अच्छा कर सकूँ और मैं इनका हमेशा हौसला बढ़ा सकूँ और इनके बीच में जब भी मुझे वो आवाज़ दे मैं इनके बीच में खड़ी होके इनका हर समस्या का समाधान पूरा करूँ।